हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रो कबड्डी लीग 7 सीजन के 114वें मैच के प्रीव्यू के बारे में, जो कि आज शाम को 8:30 बजे खेला जाएगा। यह मैच होगा हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात फोर्चुजेंट्स के बीच। यह मैच खेला जाएगा ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में, जो कि होम ग्राउंड है हरियाणा स्टीलर्स के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों की टीम परफॉर्मेंस कैसी रही है, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस, स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शंस, प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस होंगे, टॉप पिक्स बताएंगे, समय लेग, रैन लेग, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस और ड्रीम इलेवन के कम्बिनेशन का प्रीव्यू रहेगा। उन सभी से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि अगले वीडियो जब भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते कोई ना कोई अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस की, इसमें पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे। हरियाणा स्टीलर्स ने 18 मैच खेल के 11 जीते हैं, 6 हारे, 1 टाई किया है, 60 पॉइंट के साथ वो पॉइंट्स टेबल में थर्ड पोजीशन में। गुजरात ने 19 मैच खेल के 6 जीते हैं, 11 हारे हैं और 2 टाई के साथ 44 पॉइंट के साथ वो 8 पोजीशन पे हैं। गुजरात को प्लेऑफ में काफी कम चांसेस उनके प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के। बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, दोनों टीमों के बीच 7 मैचेज हो चुके हैं, 4 हरियाणा जीते हैं, 2 गुजरात ने, 1 टाइड हुआ है। रिसेंट फॉर्म देखें तो हरियाणा की एवरेज फॉर्म है, 5 मैचेज में केवल 2 जीते हैं, 2 हारे, 1 टाइड किया है। गुजरात ने अपने 5 मैचेज में 3 हारे हैं, केवल 1 जीता है, वो भी लास्ट का ही। काफी पुअर फॉर्म है गुजरात की। अगर कंपेरिजन एनालिसिस करूँ तो दोनों टीमों के रेडिंग पॉइंट में तो हरियाणा स्टीलर्स ने 354 हासिल किए हैं, गुजरात ने 302 हासिल किए हैं। टैकल्स जो सक्सेसफुल रेट्स का परसेंटेज है वो भी हरियाणा का ज्यादा है, 36 का, गुजरात का 32 का है। टैकल्स में दोनों टीमें एक जैसा कर रही हैं, हरियाणा ने 184 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं, 190 हासिल किए हैं गुजरात ने। टैकल का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है सक्सेसफुल का, वो है गुजरात का 45 का, हरियाणा का 38 का। तो यह मैच आपको हरियाणा के रेडिंग यूनिट में और गुजरात के डिफेंस में भी आप कह सकते हैं देखने को मिल सकता है। इस सीजन में बात करूं तो दोनों टीमों के बीच एक मैच हो चुका है, जो कि 62वां मैच था, उसमें विकास खंडोला ने 8 पॉइंट, विनय ने 7 पॉइंट, प्रशांत कुमार राय ने 8 पॉइंट, धर्मराज चिरलातन ने 1 पॉइंट, रवि कुमार ने 6 और विकास काले ने 3 पॉइंट और सुनील ने 1 पॉइंट लिया। वहीं गुजरात की तरफ से रोहित गुलिया ने 4, जेबी मोरे ने 4, अबुल फजल मकसूदलू ने 4, सुनील कुमार ने 1, प्रवेश ने 1, ऋतुराज कुमारी ने 2, पंकज को कोई पॉइंट नहीं, विनोद दो की सब्सटीट्यूट्स में आए थे 3 पॉइंट लिए थे, सुमित ने 2 पॉइंट सब्सटीट्यूट्स में, गुरविंदर ने भी 1 पॉइंट लिया था सब्सटीट्यूट्स में, ललित चौधरी ने भी 2 पॉइंट लिए थे सब्सटीट्यूट्स में। तो आप कह सकते हैं इस मैच में भी आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को गुजरात ने नहीं खिलाया था और आज भी हो सकता है कि वो सचिन तेंदुलकर ना ही खेले। उससे पिछले रिकॉर्ड देखे तो सचिन का काफी अच्छा रिकॉर्ड है हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ, उन्होंने 10 पॉइंट लिए थे, किंतु अब नहीं दिख रहे हैं वो टीम में। प्रवेश बैसवाल 4, सुनील 4 और उसके बाद विकास खंडोला 6, नवीन 7 पॉइंट लिए। उसके बाद पिछले मैच में प्रवेश बैसवाल ने 6 पॉइंट, सुनील कुमार ने 4, विकास खंडोला ने 6, कुलदीप ने 3 पॉइंट लिए थे। और पिछले मैच में भी देखे तो सचिन तेंदुलकर ने जो पिछले सीजन का फर्स्ट मैच हुआ था उसमें भी सचिन तेंदुलकर ने 8 पॉइंट लिए थे। अगर वो खेलते हैं तो आपके लिए ग्रैंड लीग के कैप्टन के आप डिफॉल्ट पिक मान सकते हैं उनको। साथ ही विकास खंडोला का एक मैच खराब गया था और नवीन ने 6 पॉइंट लिए थे। तो यह हेड टू हेड की पिछले सीजन की भी बता दी। हरियाणा स्टीलर्स में जो चेंजेस की उम्मीद है वो मुझे कोई नहीं है। उनके लेफ्ट कोर में रहेंगे सुनील, लेफ्ट इन में रहेंगे प्रशांत कुमार राय, लेफ्ट कोर रहेंगे रवि कुमार, सेंटर में विकास खंडोला, राइट कोर रहेंगे विकास काले, राइट इन में विनय है, राइट कॉर्नर रहेंगे धर्मराज चिलाचरण। धर्मराज चिलाचरण पिछले मैच में आ चुके हैं, 2 पॉइंट लिए। विनय का परफॉर्मेंस देखे तो पिछले 4 मैचेस का 8-3-14-10 पॉइंट। विकास काले को पिछले 3-4 मैचेस का देखो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। विकास खंडोला पिछले मैच में फ्लॉप रहे, केवल 5 पॉइंट लिए, उससे पहले काफी अच्छा कर रहे हैं। बाकी प्रशांत राय ने पिछले मैच में 3, उससे पहले ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। रवि कुमार ने पिछले मैच में 5 लगा, सुनील को पिछले मैच में 0 पॉइंट लिए। तो बाकी इनके सब्स्टिट्यूट्स में है नवीन, जो कि अगर आएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस रही है। सलामनी ने पिछले मैच में 1 पॉइंट लिया था सब्स्टिट्यूट्स में और चांसिंग आए थे, कोई पॉइंट नहीं लिया था। प्रवीण इनके पास 3 है, तो इनके सब्स्टिट्यूट्स की होगी। बाकी इनके रेडर्स हैं जो हरियाणा के, उनके स्किल्स की बात करें तो ये इनकी स्किल्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी हो।
अब बात करते हैं गुजरात की स्टार्टिंग सेवन। गुजरात की स्टार्टिंग सेवन में पिछले मैच में काफी चेंजेस देखने को मिले। आपने देखा होगा कि जेबी मोरे को भी टीम ने आउट कर दिया, विनोद कुमार को उनकी जगह खिलाया, सचिन तनवर की जगह सोनू जागलान को खिलाया और सुनील कुमार की जगह अमित खरप को खिलाया। आज के टीम में मुझे चेंजेस लग रहा है, टीम में अमित खरप को दोबारा ड्रॉप कर सकते हैं और सुनील कुमार को ले सकते हैं, बाकी सोनू जागलान और विनोद का चांसेस है खेलने के। इनके स्टार्टिंग सेवन में जो मुझे उम्मीद है ये रहेगी फ्रेंड्स, लेफ्ट कॉर्नर में पंकज, लेफ्ट इन में विनोद कुमार, लेफ्ट करेंगे प्रियेश भैसा, सेंटर सोनू जागलान, राइट कवर रहेंगे अमित खरप, नहीं तो यहाँ पे आपको सुनील जरूर दिखेंगे। राइट इन में रोहित गुलिया है, राइट कॉर्नर रहेंगे ऋतुराज कुमारी। पिछले मैच में सोनू जागलान आए, आते ही इनको स्टार्टिंग सेवन में 15 पॉइंट ले काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। प्रियेश भैसा ने पिछले दो तीन मैच में 2 बार i5 लगा चुके हैं और विनोद ने पिछले मैच में 3 पॉइंट लिए, पंकज ने पिछले मैच में 4 पॉइंट लिए, ये इनकी परफॉर्मेंस रही। ऋतुराज ने भी पिछले मैच में 3 पॉइंट लिए, रोहित गुलिया ने पिछले मैच में 11 पॉइंट लिए, तो ये आप देख सकते हैं इनकी सभी की परफॉर्मेंस है। बाकी इनके पास सब्स्टिट्यूट्स में दिखेंगे जेबी मोरे, अरमनजीत, गुरविंदर सिंह, अबुल फजल मकसूदुल, सुमित मलिक, तो ये दिखेंगे। साथ इनके पास सचिन तेंदुलकर और सुनील कुमार भी हैं जो कि आपको अब स्टार्टिंग सेवन में नहीं थे पिछले मैच में, किंतु दोनों काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। अब बात करेंगे इनके प्लेयर्स की स्किल्स की, प्लेयर्स की स्किल्स में आप नोट कर लें फ्रेंड्स, इनकी स्किल्स रहेगी सचिन तेंदुलकर, जेबी मोरे, उसके बाद सोनू जागलान काफी अच्छे प्लेयर हैं आप ये देख लें, और उसके बाद आपको ऑलराउंड में रोहित गुलिया दिखेंगे जो कि इनके लिए अभी तक रेडर में फर्स्ट रेडर बन चुके हैं इस सीजन के। प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके सब्सक्रिप्शन में मोटिवेशन मिलेगा। प्लेयर्स के पॉइंट एनालिसिस में विकास खंडोला पे 15 मैच करके 143 रेड पॉइंट हासिल कर चुके हैं, 8 सुपर 10 लगा चुके हैं, 47% इनके सक्सेसफुल रेड्स रही हैं। विनय ने 18 मैच खेल के 88 रेड पॉइंट हासिल किया, 2 सुपर 10। प्रशांत ने 12 मैच के 49 रेड पॉइंट हासिल किए, 1 सुपर 10 लगा है। नवीन ने 13 मैच खेल के 56 रेड पॉइंट हासिल किया, 1 सुपर 10। और रोहित गुलिया की बात करें, रोहित गुलिया ने 19 मैच खेल के 111 रेड पॉइंट हासिल किया, 4 सुपर 10 लगा चुके हैं, 41% इनके सक्सेसफुल रेड्स रही हैं। सोनू जागलान ने पिछले मैच में सुपर 10 लगाया है, कुल मिला के 14 मैचेज में 44 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। सचिन तेंदुलकर जो भी नहीं खेल रहे हैं, 16 मैच खेल के 84 रेड पॉइंट, 2 सुपर 10 लगा चुके हैं। एवरेज पॉइंट्स देखे तो सबसे अच्छे रहे हैं विकास खंडोला के, उसके बाद हैं रोहित गुलिया के 5.8, उसके बाद विनय 4.8, सोनू जागलान के 3.1 है, प्रशांत कुमार के 4.4 हैं। तो अब डिफेंडर्स की बात कर लेते हैं, डिफेंडर्स में सबसे अच्छे रहे हैं अभी तक सुनील, 3 i5 लगा चुके हैं हरियाणा की तरफ से, 16 मैच के 42 टैकल पॉइंट लिए हैं, 45% इनके सक्सेसफुल टैकल्स रहे हैं। विकास काले ने 17 मैच खेल के 37 टैकल पॉइंट, 2 i5, रवि कुमार ने 16 मैच खेल के 39 टैकल पॉइंट, 3 i5, और धर्मराज चिलाते ने 16 मैच खेल के 37 टैकल पॉइंट, 1 i5। इन चारों में से कोई भी एक दिन पे होने के कोई भी सुपर i5 लगा सकता है और अच्छे पॉइंट ले सकता है, आप किसी को भी चुन सकते हैं इनमें से। बाकी प्रवेश बैसवाल पिछले मैच में खेले और 19 मैचेस में कुल मिला के उन्होंने 45 टैकल पॉइंट लिए, 4 i5 लगा चुके हैं। सुनील कुमार पिछला मैच नहीं खेले, 18 मैचेस में 46 टैकल पॉइंट, 4 i5 लगा चुके हैं, ये आपके लिए टॉप पिक्स रहेंगे दोनों अगर खेलते हैं तो। उसके बाद पंकज 8 मैच में 20 टैकल पॉइंट, 1 i5 लगा चुके हैं। ऋतुराज ने 14 मैच खेल के 13 टैकल पॉइंट लिए हैं। उसके बाद ऑलराउंडर हैं जेबी मोरे, 17 मैच खेल के 20 टैकल पॉइंट। एवरेज टैकल पॉइंट देखे तो सबसे अच्छे रहे हैं फ्रेंड्स पंकज के 2.5 और सुनील कुमार के 2.5, उसके बाद धर्मराज चिलातन, विकास काले, रवि कुमार, प्रवेश भाषा, सुनील कुमार, ये सभी एक जैसे ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। मस्ट पिक की बात करूं तो आपके ये अच्छे प्लेयर्स रहेंगे, ड्रीम लाइन पे कितने परसेंट लोगों ने लिया मैंने आपको दिखाया, विकास खंडोला, सुनील, विनय, सचिन तेंदुलकर, रोहित कुमार, सुनील कुमार। आप कहेंगे कि फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर और सुनील कुमार तो नहीं खेलेंगे, तो अगर खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे ये। विकास खंडोला है इनके सभी के ड्रीम इलेवन पे परसेंट, समालिक के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो विकास खंडोला, रोहित गुलिया, विकास खंडोला, सोनू जागलान को आप ट्राई कर लें। डिफरेंशियल पिक में जो प्लेयर्स रहेंगे प्रशांत कुमार राय, धर्मराज चिलाथन, रवि कुमार, विकास काले, उसके बाद सोनू जागलान, पंकज रहेंगे, विनोद, ऋतुराज कुमारी, प्रवेश बैसवाल, उसके बाद अगर जेबी मोरे खेलते हैं तो वो रहेंगे अमित खरप के साथ। ग्रैंड लीग में मैं जाऊंगा रोहित गुलिया विनय के कॉम्बिनेशन के साथ, उसके बाद आप ट्राई सोनू जागलान, प्रशांत कुमार राय या विकास खंडोला में से ट्राई कर लें।
अब बात करें डेमो टीम्स की। डेमो टीम्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको फैंटेसी बाजार पे, ये बिल्कुल फ्री टीम है। मैंने इतना डीपली एनालिसिस आपको ऊपर बताया था, साथ ही ड्रीम इलेवन के कॉम्बिनेशन के प्रीव्यू दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। साथ ही अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ड्रीम टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इन सभी के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहां मैं आपको 6 कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स दिखा रहा हूँ। पहले 2 कॉम्बिनेशन समय लेके, बाकी 4 कॉम्बिनेशन ग्रैल निक के लिए रहेंगे, वो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने ट्राई किया है विकास खंडेलवाल और रोहित गुलिया का कॉम्बिनेशन, कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बनाया है, और विनय को ट्राई किया है सोनू जागलान के साथ, पंकज हैं सुनील और रवि कुमार को लिया हरियाणा की तरफ से। देखेंगे 3 प्लेयर्स गुजरात के, 4 प्लेयर्स हरियाणा के, ये सबसे कॉमन टीम हो सकती है फ्रेंड्स। बाकी आप यहाँ पे चाहे तो रवि कुमार की जगह आप विकास काले या किसी में से भी चुन सकते हैं, तो आपको एक ये चेंज कर सकते हैं अपनी टीम में। बाकी अगर चाहे तो इस टीम में ग्रैंड लिख ले रहे हैं तो आप विकास खंडेलवाल सोनू जागलान के साथ विनय के साथ ये जा सकते हैं, या समय लीग में आप सुनील कुमार या रवि कुमार में से भी जा सकते हैं, बाकी चॉइसेस आपके हैं। सेकंड टीम में मैंने ट्राई किया है, इस टीम में मैंने प्रवेश बैसवाल को लिया, अमित करप को लिया, रोहित गुलिया है वाइस कैप्टन, सोनू जागलान को, विनय विकास खंडेलवाल को कैप्टन, विकास काले को इस टीम में ट्राई किया है। थर्ड टीम मैंने 5-2 का कॉम्बिनेशन हरियाणा के फेवरेट टीम बनाई है, तीनों रेडर्स को ले लिया है और 2 अच्छे डिफेंडर्स को हरियाणा की तरफ से, और दोनों ऑलराउंडर को ले रहे हैं गुजरात की तरफ से, वाइस कैप्टन रोहित गुलिया को कैप्टन बनाया, विनय कुमार को आप चाहे तो कैप्टन बना सकते हैं, विकास खंडेलवाल को, रोहित गुलिया को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, प्रशांत कुमार राय भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फोर्थ टीम की बात करूँ तो इस टीम में मैंने 5-2 का कॉम्बिनेशन गुजरात के फेवरेट टीम, 2 अच्छे रेडर्स लिए मैंने केवल हरियाणा की तरफ से, सोनू जागलान को कैप्टन, पंकज, रोहित गुलिया, प्रवेश बैसवाल, सुनील कुमार। सुनील कुमार नहीं खेलते हैं तो उनके जगह आप आसानी से ऋतुराज कुमारी को ले सकते हैं, ये एक आप चांस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फिफ्थ टीम की, 3-4 का कॉम्बिनेशन बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की गई है, प्रशांत कुमार को वाइस कैप्टन, कैप्टन बनाए रोहित गुलिया का, विकास खंडेलवाल है, सोनू जागलान है, विनोद कुमार को इस टीम में ट्रैक है, प्रवेश बैसवाल को, रवि कुमार को, तो आप ये टीम देख सकते हैं। इस टीम में चाहे तो आप विकास खंडेलवाल की जगह विनय को ट्राई कर सकते हैं, एक चेंज आसानी से कर सकते हैं। लास्ट टीम अगेन 3-4 का कॉम्बिनेशन, इस टीम में मैंने ट्राई किया है 4 अच्छे डिफेंडर्स को, रवि को, सुनील को, प्रवेश बैसवाल, ऋतुराज कुमारी, ऑलराउंडर में रोहित गुलिया के साथ गए, कैप्टन विकास खंडेलवाल का, वाइस कैप्टन सोनू जागलान को, आप चाहें तो रोहित गुलिया को बना सकते हैं, या चाहें तो कैप्टन रोहित गुलिया को बना के वाइस कैप्टन सोनू जागलान को भी रख सकते हैं। ये चेंजेस आप खुद कर लीजिएगा, होपफुली आपने वीडियो को देख लिया होगा, एंजॉय किया होगा। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।